आज हम चने दाल के बड़े बनाएंगे। चना दाल के बड़े बनाने चना दाल लेंगे। चना दाल को हमने यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बड़े के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे अदरक लिया है, धनिया पत्ता, लहसुन, थोड़े से करी लीव्स, मिर्ची और इन सबको मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। अभी इसमें सूखे मसालों में मैं यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा मिलाऊंगी और 1 चम्मच प्लेन जीरा मिलाएंगे और इसे मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें भिगो के रखा हुआ चना दाल मिलाएंगे। इसका सारा पानी निकाल कर इसमें डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। चना दाल डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चना दाल अलग सा रख लिया है, जिसे मैं बाद में पेस्ट में मिलाऊंगी। हमने यहाँ पे ब्लेंड करके चना दाल को निकाल लिया है। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज काट के ले लिया है। धनिया का पत्ता लेंगे, इसे बारीक काट के इसे भी मिला लेंगे इसमें। अब इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाएंगे। बेसन हम इसे बाइंडिंग करने के लिए मिला रहे हैं। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा मिलाऊंगी, जिससे ये और भी थोड़ी क्रिस्पी बन सके। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे जो चना दाल अलग रखा था इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम हाथों में थोड़ा सा तेल या फिर पानी यूज़ करेंगे और इस तरह से एक बॉल तैयार करेंगे और इसे दोनों हाथों में इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसी तरह बाकी के चना दाल के बड़े भी तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे तेल भी गरम करने के लिए रख लिया था। तेल अच्छे से गरम है, इसे धीरे धीरे करते हुए तेल में डालेंगे। एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसे दूसरी तरफ भी पलट के दोनों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। अभी ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं और इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के बड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह इसे भी दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अभी हमारे चना दाल के बड़े बनकर तैयार हैं।